मस्का चस्का टाइम्स देख रहे सारे ही श्रोतियों का स्वागत है। अज असी तुहानू उस शख्स नाल मिलाउण जा रहे हाँ जो हर रोज़ खतरियां नाल खेडदा है। खतरे वह जिन्हों वाल देख के आम इंसान डर जाता है, पर भरत भूषण उन्हां नाल कलोलां करता है। खतरा सप फड़ना, जब इन्हां नू इस संबंधी पूछा गया तो इन्हां दस्या कि लोगों के भले अते सप्पां दी सुरक्षा लई इह काम करदे हन। आओ तुहानू इस निडर इंसान नाल मिलाउंदे हाँ। मस्का चस्का टाइम गुरदासपुर तो रिपोर्टर जतिंदर सिंह औलख की रिपोर्ट। वेख रहे सारे ही स्रोतियों का स्वागत है। मैं थोड़ा अपना जतिंदर सिंह औलख अज थोड़े रूबरू असं वह शख्सियत कर जा रहे हैं जो कि बड़ा ही खतरनाक काम करते हैं। खतरनाक काम की कि जेडे सप्प फड़ते हैं। सप्प इस करके फड़ते हैं कि लोगों के घर जब सप्प वड़ जाते हैं तो लोग उन्होंने कॉल करते हैं और वह मदद करते हैं लोगों की। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बड़े लंबे समय तो ये काम कर रहे हैं। हुण असीं भूषण जी नाल करांगे कि उन्हां नूं ये शौक कदों दा जागिया अते वो क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत खतरनाक है तो कदे उन्हां नूं खतरियां दा सामना भी करना पिया है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। सर तुसीं ये काम कदों दा कर रहे जे ते ये शौक जिहड़ा तुहानूं कदों जागिया? ये सर मैनूं लगभग 30-32 साल हो गया अपने सप्प फड़दे नूं। ते शौक मैनूं इदां जागिया वी मेरे कोल कोई मेरे अपने बड़े बाबोवाल तो सज्जन बंदे आते होंगे सीगा, उन्होंने मकान ढाया तो उत्थे उन्होंने सप्प निकलिया तो वो बड़े जाने उत्थे मारने वास्ते आ गए। तो मेरे दिल दे विच आया कि सप्प नू मारना एक बेजमान बंदे नू चंगा काम नहीं, इहदी जान बचाई जाए। तो मैं उत्थे एक सोटी दे नाल सप्प फड़ के ते एक पीपे दे विच पाता ते उत्थों रख के मेरे दिल दे विच आया कि कोई इहो जिहा काम कीता जाए जिहदे नाल इहनां दी जान बचाई जाए, तो इस करके मैं इहनां दी जान जिहड़ी बचा रहा। सर जिहड़ा तुसीं इन्हां दी जान बचा रहे जे, कदे तुहानूं वी खतरे दा सामना करना पिया? कदे तुहाडे सप्प लड़िया जां कुछ इदां दी वारदात होई? हांजी सर, मैं पिछले लगभग कोई 20-22 दिन तो मैं बुड्ढा कलोनी दे विच अपने SDO साहब दे घर गया सीगा सप्प फड़न वास्ते, ते उत्थे मेरे नाल हादसा वापरिया। मेरे अपनी उंगल ते लड़ गया सी सप्प, लेकिन मेरे कोल अपने घर मनके दवाइयां हैगियां सी पीण वास्ते, ते मैं आ के फिर दवाई पीती अपने आप की जी जान जी मैं बचा ली। तो ये जो सप्प फड़ते जे कदम मतलब यही कोशिश की सप्प कद मारिया भी है या कदा इन फड़ के कित छड़ के आते हैं? सर मेरे जान तो पहला जे किसी ने सप्प मार दिता हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं उत्थे पहुँच जावा मौके पर फिर मैं सप्प किसी को मारन नहीं दिता। तो जेकर मैं सप्प फड़ लव तो फिर उन्होंने मैं फड़ के किसी चंगी सेफ जगह के उत्ते छड़ लवा फिर जिथे उसकी जान बची रहे। एक चीज़ होर तुहाडे तों असीं कंफर्म करनी कि कुछ सरकार जां किसी संस्था ने हुण तक तुहाडी कोई मदद की है जां तुहानूं कोई सरकार वालों पुरस्कार मिलिया है? सरकार वालों भी अज तक मैनूं कोई नहीं मिलिया। तकरीबन मेरे इलाके के 3-4 MC ने उन्हां वालों भी अज तक मैनूं कोई सहूलत नहीं मिली। बाकी ये है कि की ना ब्राह्मण सभा साड़ी गुरदासपुर शहर की बड़ी वड्डी ब्राह्मण सभा उन्होंने नॉलेज में हैगा कि मैं सप्प फड़दा वां, क्योंकि मैं एक आप की ना ब्राह्मण जाति के नाल अटैच करदा। इस करके कभी उन्होंने भी कि ना माइंड में नहीं आया कि असी इन सद के मान सम्मान उत्थे किया जाए। पहला तो मेरे फादर साहब सीगा मेरे नाल चक्की उत्थे काम करते सीगा, तो फादर साहब के होंदे मैं चला जाता सीगा, तो हूँ इस वक्त मेरा बेटा वा तो फिर मैं अपने बेटे नूं उत्थे खड़ा करके चक्की उत्ते तो फिर चला जाता भी चल किसी जीव की जिहड़ी जान बच सके, चाहे उन्होंने किसी घर की जान बच सके, क्योंकि सप्प एक बड़ा खतरनाक जीव हैगा जिहड़ा किसी से भी लड़ सकता वा। भूषण जी तुहानू कदे सप्प तो डर नहीं लगा? क्योंकि कई बार हुंदा कि जिस तरह बहुत खतरनाक सप्प हुंदे ने कि जिहड़े मतलब तुहाडी जान का जोखम भी हो सकता है, अजे तक कदे इहो जिहा इंसीडेंट होए जिहड़ा तुसीं कदे ना भुल्ले होवो कि जद सप्प ही मतलब जिसनूं तुसीं फड़न गए हो उही तुहाडे मतलब वलवले विच ना आया होए? सर तकरीबन 30-32 साल दे विच इक्को ही कीना सप्प हैगा पर एडा खतरनाक नहीं हुंदा हैगा।
बैंस सप हुंदा लगभग 7.5 फुट लंबा हुंदा वा उन्हूं फड़न लग्या सानू कई बार प्रॉब्लम आती है कभी लत्त नूं वल मार लैंदा कभी बाह नूं वल मार लैंदा लेकिन उहदे विच जहर जिहड़ा बिल्कुल नहीं हुंदा लेकिन उन्हूं ही फड़न लग्या सानू थोड़ी मुश्किल आती है होर किसी सप नूं फड़न लग्या सानू कोई मुश्किल नहीं आती है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 9914715198 ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਪੜਤਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗ ਵਾਈਪਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਪਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਵਾਈਪਰ ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸਲ ਵਾਈਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਤਣ ਅੱਜ ਫੜ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਸੋਤਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।